Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn about have had, a had had. हजारों स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि एक ही सेंटेंस में have और had कैसे आ सकता है, और कई बार आप एक ही सेंटेंस में डबल had यानी had had देखते होंगे. फ्रेंड्स, ये भी पॉसिबल है कि आप एक ही सेंटेंस में had और had का भी यूज देख सकते हैं, यानी फ्रेंड्स हैज और हैड एक साथ आ सकते हैं, हैव और हैड एक साथ आ सकते हैं, या हैड और हैड दोनों एक साथ यूज हो सकते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि कैसे यूज हो सकते हैं, या आप इसको कैसे बेहतर तरीके से समझेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है. बहुत आसान कंसेप्ट है फ्रेंड्स, थोड़ा सा केयर कीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है. आपको ये बात अच्छा से पता होना चाहिए, क्योंकि यह बात आपने पार्ट 9 में सीखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या कंसेप्ट है. तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप ये बात समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है. जैसे आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं. ही हैज स्पोकन, वह बोल चुका है. तो फ्रेंड्स, यह बात क्लियर हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है. अब फ्रेंड्स, हमें सीखना है कि हैज के साथ हैड कैसे आ सकता है, हैव के साथ हैड कैसे आ सकता है. तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स, हैव न सिर्फ एक ऑक्सिलरी है यानी हेल्पिंग वर्ब है, बल्कि यह एक मेन वर्ब भी है, जैसे कि कम, गो, ईट, स्पीक, और इसका मीनिंग रखना होता है. तो मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मैं अपना लंच रख चुका हूँ, तो आप कहेंगे आई हैव केप्ट माई लंच. फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मुझे कहना हो मैं अपना लंच रख चुका हूँ, तो रखने के लिए कीप का यूज किया जाता है, और चूंकि यह परफेक्ट टेंस है तो हम यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. तो कीप का थर्ड फॉर्म होता है केप्ट. आई हैव केप्ट माय लंच यानी मैं अपना लंच रख चुका हूं. तो फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपको यहां कोई कंफ्यूजन है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कीप मींस रखना होता है और केप्ट उसका थर्ड फॉर्म है. तो फ्रेंड्स, जैसे आप समझते हैं कि कीप मींस रखना होता है, उसी तरीके से आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि सिर्फ कीप का मतलब ही रखना नहीं होता है, बल्कि हैव का मतलब भी रखना होता है. यानी आप कीप की जगह पर हैव का यूज कर सकते हैं, और चूंकि यहाँ पर कीप का थर्ड फॉर्म लिखा गया था, इसलिए आप हैव का थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, जो होता है हैड. और इस तरीके से ये सेंटेंस हुआ, आई हैव हैड माई लंच, यानी आई हैव केप्ट माई लंच के जगह पर आप आई हैव हैड माई लंच का यूज कर सकते हैं. यहाँ पर जो मीनिंग केप्ट का है, सेम वही मीनिंग हैड का है, क्योंकि दोनों का मतलब रखना होता है. तो चाहे आप केप्ट का यूज करें या हैड का यूज करें, बात बराबर ही है. ही हैज केप्ट हिज लंच. फ्रेंड्स, उसी तरीके से आप जानते हैं कि ही के साथ हैज का यूज किया जाता है. तो अगर आपको कहना हो वह अपना लंच रख चुका है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे ही हैज केप्ट हिज लंच. लेकिन फ्रेंड्स, कई बार लोग इसी सेंटेंस को ऐसे भी कहते हैं, ही हैज हैड हिज लंच. अब वो यहां पर हैड का यूज कैसे बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं कि रखना के लिए कीप का यूज होता है, और कीप का थर्ड फॉर्म होता है केप्ट. उसी तरीके से रखने के लिए हैव का भी यूज किया जाता है, और हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड. तो रखने के लिए कभी कीप और कभी हैड का यूज किया जाता है. पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. जैसे अगर आपको कहना हो वह लंच रख चुका था, तो आप कहेंगे ही हैड केप्ट हिज लंच, यानी वह अपना लंच रख चुका था. तो फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस में
आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और यहाँ आपने कैप्ट का यूज किया है क्योंकि बात रखने की हो रही है। तो फ्रेंड्स आप इस सेंटेंस के जगह पर ये भी कह सकते हैं ही हैड। अब ये कैप्ट की जगह पर आप लिख सकते हैं हैड। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कीप का मतलब भी रखना और हैव का मतलब भी रखना, तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। कीप का थर्ड फॉर्म कैप्ट होता है और हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है। हिज लंच, ही हैड कैप्ट हिज लंच। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ही हैड हैड हिज लंच, यानी वह अपना लंच रख चुका था। तो फ्रेंड्स रखने के लिए जहां जहां आप कीप का यूज कर सकते हैं वहां वहां आप हैव का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कीप का थर्ड फॉर्म कैप्ट लिखना है तो फिर आप हैव का थर्ड फॉर्म हैड का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि पुट मीन्स भी रखना होता है, पुट का यूज किस सेंस में करेंगे? आइए फ्रेंड्स इसको भी सीखते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कीप मीन्स रखना, हैव मीन्स रखना और पुट मीन्स रखना, तो फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या इनमें कोई फर्क है? फ्रेंड्स रखने के लिए आप कीप और हैव का यूज कर सकते हैं। रखने के लिए हम पुट का यूज तब करते हैं जब हमें कहना हो कि कोई एक सामान एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दो। जैसे मान लीजिए टेबल पर मोबाइल है और अगर मैं कहूँ मोबाइल को बैग में रख दो, तो अब यहाँ आप मोबाइल को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप कीप या हैव का यूज नहीं कर सकते हैं, आपको पुट का यूज करना होगा। क्योंकि पुट का मतलब ही होता है कि कोई एक प्रोडक्ट एक जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देना या दूसरी जगह रख देना। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप जरूर शेयर करेंगे। फ्रेंड्स मेरे वीडियोज को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं हर रोज आपके लिए एक नया लेसन ला सकूं। फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।